भोपाल में रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है, आपको सीधे भोपाल ही लिए चलते हैं। इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे, सुनते हैं। संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, और देश में हम प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये चुनाव उस पर आधारित। मुझे इस बात का दुख है, ग्लानि है कि सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है। हम लोग कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है इस देश में जो सैनिकों का सम्मान नहीं करता? कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो शहीदों का सम्मान नहीं करता? लेकिन सेना को और शहीदों को भी अगर हम पार्टियों में बांट देंगे कि ये सैनिक अच्छा, ये सैनिक बुरा, ये शहीद अच्छा, ये शहीद बुरा, तो फिर ये हम लोग सैनिकों के प्रति और सुरक्षा एजेंसियों के प्रति सम्मान नहीं कर रहे, उनका अपमान कर रहे। ये लोग वो लोग हैं जो अपने सीने पर गोली खाकर दुश्मनों से लड़ते हैं। अगर उनको हमने तय कर दिया और हमने कह दिया ऐसा होने से हमने श्राप दे दिया और ऐसा होने से ये, तो फिर ये क्या हो रहा है इस देश में? सर्जिकल स्ट्राइक कब नहीं हुई है? लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे देश में जाकर अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसकी इंटरनेशनल रिपरकशन होते हैं। हम इंटरनेशनल रिपरकशन क्यों करना चाहते हैं? पहले भी हुआ है, आप ये जनसा बैठे हुए हैं, जनरल हुडा ने अभी रिपोर्ट लिखी, जनरल हुडा तो वो है जिन्होंने यूपीए सरकार में जनरल सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी उसका प्रचार नहीं किया। ये प्रचार करने की बात नहीं है क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उपस्थित हो जाता है, और वो भी उन देशों में जहां न्यूक्लियर पावर है। आज इस देश में हमें चुनौतियां हैं, लड़ाई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेना को राजनीति में मत घसीटिए, शहीदों को, उनकी स्मृतियों को, उनके परिवारों को राजनीति में मत घसीटिए। ये विवाद के प्रश्न नहीं बनना चाहिए।